चलिए अब हम नूडल्स बनाते हैं। हमने एक पैन लिया है, वो हमने हीट कर लिया। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर नूडल्स ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। जिससे मेरी नूडल्स का टेक्सचर बहुत अच्छा आए, एक एक खिला खिला दाना दे। अब हम वेजिटेबल सॉटे करते हैं। उसके लिए हमने लिया ऑयल। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। अनियन ऐड करेंगे। अब हमारी अनियन शेल फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूंगी और साथ में कैरेट, कैप्सिकम ऐड करूंगी और कैबेज भी। अब मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी। अब हमारी वेजिटेबल अच्छे से सॉटे हो गई हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैंने सॉल्ट डाला है, अब मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ। अब हम इन्हें अच्छे से हिलाएंगे, फिर हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अब हमारी वेजिटेबल अच्छे से सोटे हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर नूडल्स ऐड करूंगी। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब आप देखिए हमारी नूडल्स का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसके अंदर गार्निशिंग के लिए पनीर डाल रही हूँ, वो ऑप्शनल है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से स्प्रिंग अनियंस ऐड करूंगी। अब हमारी नूडल्स बिल्कुल रेडी है। आप खुद भी खाइए और फ्रेंड्स को भी खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।